स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवन, दिस इज द फोर्थ चैप्टर, फोर्थ चैप्टर सेकेंड वीडियो। दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ चैप्टर फोर। नेम ऑफ द चैप्टर इज एयर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द पॉइंट वेदर एंड क्लाइमेट। तो अधिकतर हम लोग सुनते हैं, बात करते हैं कि आज बारिश होगी, आज बारिश होने वाली लग रही है, आज बारिश होगी, आज लगता है कि आज गर्मी ज्यादा पड़ रही है। ये सारी बातें हम लोग आपस में करते रहते हैं, विशेष करके जब मैच वगैरह होता है तो लोग एक मतलब एंटिसिपेशन करते हैं कि आज बारिश होगी कि दिन सूखा रहेगा, ब्राइट रहेगा है कि क्लाउडी रहेगा, ये सारी बातें करते हैं। तो जो ये आवर टू आवर, तो वेदर ये क्या चीज है? वेदर है। वेदर क्या है? तो वेदर इज दिस आवर टू आवर एंड डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोस्फियर। एटमोस्फियर की जो ये आवर टू आवर या डे टू डे जो कंडीशन बदलती रहती है, कब कैसा मौसम हो जाए, उसी को हम कहते हैं वेदर। ये वेदर जो है, अभी जैसे मान लीजिए आपको गर्मी लग रही है, दो चार घंटे बाद बारिश हुई, ठंडी हो मौसम जो हो ठंडा हो गया, तो ऐसे बदलता रहता है। और जैसे बहुत गर्मी पड़ती है तो वो जो है काफी इरिटेट कर देती है हम लोगों को, मूड अपसेट कर देती है। और अगर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एक प्लीजेंट है, तो हमारा मूड अच्छा होता है, काम करने का मन करता है। तो ये क्या है? वेदर है। और वेदर जो है अचानक चेंज हो सकता है। कब कैसा, कब बारिश हो जाए, कब गर्मी ज्यादा पड़ जाए, कब आंधी तूफान आ जाए, इसको कहा नहीं जा सकता है। तो ये जो फॉरकास्ट मतलब वेदर की जो ये है कंडीशन, जिसको आप कह सकते हैं, जिसको हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कब क्या होगा, ठीक है, अनप्रिसिटेबल कंडीशन को ही वेदर कहते हैं, ठीक है। और ये वेदर क्लाइमेट क्या होती है? क्लाइमेट होती है ये जो वेदर की कंडीशन है, ये इसको करीब 25 से 30 ईयर्स तक इसकी जो एवरेज निकाली जाती है कि कैसी है, तो उस आधार पर उसको हम लोग कहते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट जो है एक लॉन्ग पीरियड को रिप्रेजेंट करती है, और वेदर डे टू डे कंडीशन है, आवर टू आवर कंडीशन। जो क्लाइमेट है 25-30 साल तक जो वेदर की कंडीशन बनी रहती है, जिस हिसाब से वेदर रहता है, उस आधार पर, उस बेस पर हम लोग क्लाइमेट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, बहुत लंबे समय तक जो वेदर की कंडीशन रहती है, उसी को हम क्लाइमेट कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका है डिस्कस करने के लिए, वो है टेम्परेचर। तो हम जो टेम्परेचर फील करते हैं पर डे कि कैसा है, आज गर्मी अधिक है कि गर्मी कम है, इसी को हम कहते हैं टेम्परेचर। ये टेम्परेचर जो है कहाँ पाया जाता है? एयर में। एयर में जो टेम्परेचर पाया जाता है, उसी के अनुसार हमें कोल्डनेस या हॉटनेस फील होती है, ठीक है। कोल्डनेस हॉटनेस जो फील होती है, वो उसका सीधा रिलेशन होता है एयर टेम्परेचर के साथ। अब ये जो टेम्परेचर की चेंजिंग है, ठीक है, क्या कह रहा है? टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फियर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट। जैसे हम लोग ये महसूस करते हैं कि दिन के समय गर्मी लगती है, रात के समय मौसम थोड़ा सा ठंड हो जाता है और हमें जो है प्लीजेंट फील होती है, आराम महसूस होता है, तो ऐसा जो है डे नाइट में ही नहीं होता है,
बल्कि ये सीजनल चेंजिंग भी इसमें होती, सीजन के अनुसार भी टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो जैसे कि समर सीजन में, समर्स में जो है विंटर की अपेक्षा हॉटनेस ज़्यादा होती, गर्मी के दिनों में हॉटनेस ज़्यादा होती है। तो ये जो हॉटनेस है, देखिए देर आर एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसुलेशन। जो अर्थ पर या किसी एरिया में ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है, टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस पर डिपेंड करता है, उसको कौन सा फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस डालता है, इंसुलेशन। इंसुलेशन क्या होता है, इंसुलेशन होता है कि जो हमको सन से जो एनर्जी मिलती है, सोलर एनर्जी जो मिलती है, और अर्थ उसको जो एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, वहां से गर्मी आई और हमारी अर्थ ने उसको इंटरसेप्ट कर लिया, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, उसी को हम कहते हैं इंसुलेशन। और यह है इंसुलेशन इक्वेटर पर सबसे ज्यादा होता है, इक्वेटर पर सबसे ज्यादा गर्मी अर्थ जो है एब्जॉर्ब करती है। और इस इक्वेटर से जैसे जैसे हम पोलर रीजन की तरफ जाते हैं, पोल्स की ओर जाते हैं, नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, जब उधर बढ़ते हैं तो टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता जाता है, घटता जाता है, ये अमाउंट ऑफ इंसुलेशन कम होता जाता है। अब देखिए, अब जैसे वही तो देखिए लिखा है कि टेम्परेचर जो डिक्रीजेज इन सेम मैनर, जब इंसुलेशन अमाउंट जब कम होता जाएगा पोल्स की ओर, जब इंसुलेशन माने अर्थ के मतलब कि अर्थ के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने की जो ये है कैपेसिटी है वो जब कम होती जाती है पोल की ओर, तो टेम्परेचर भी कम होता चला जाता है, ठीक है। यही कारण, अब आप सोचिए कि क्या कारण है कि पोल्स पर जो है ऑलवेज जो है स्नो पड़ी रहती है, बर्फ पड़ी रहती है। तो यही कारण है, क्योंकि वहां पोल्स की ओर इंसुलेशन कम होता है, टेम्परेचर कम होता है, जो अर्थ जो है कम टेम्परेचर एब्जॉर्ब करती है, इंटरसेप्ट करती है, इसलिए वहां पर हमेशा जो है वो स्नो बनी रहती है। करे कि अगर टेम्परेचर जो है बहुत अधिक बढ़ जाए कि वहां पर क्रॉप्स ग्रो होने लगे, तब क्या होगा कि वहां की सारी जो स्नो है वो पिघल जाएगी। जैसे हम देखते हैं शहरों में, सिटीज में हाई बिल्डिंग्स पाई जाती हैं, कंक्रीट रोड तमाम पाए जाते हैं, तो बिल्डिंग्स क्या है, बिल्डिंग्स पर जब सनलाइट पड़ती है तो वो वहां पर सॉयल वगैरह तो है नहीं बिल्डिंग पर, तो वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लेती है, वहां इंसुलेशन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। वहां के जो रोड हैं, ठीक है, कंक्रीट रोड जो हैं वो भी टेम्परेचर को बहुत अधिक एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से गांव की अपेक्षा, विलेज की अपेक्षा सिटीज में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और यह जो टेम्परेचर है ये क्या होता है, रिलीज ड्यूरिंग द नाइट, रात के समय रिलीज होता है, मतलब वहां से वापस होता है। यही चीज है, देखिए क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स ऑफ द सिटीज ट्रैप द वार्म एयर, ठीक है, जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, जैसा कि हम जानते हैं नीचे जो है एक कोल्ड एयर पाई जाती है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एयर का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो जो हाई बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, वार्म टेम्परेचर को ट्रैप करती हैं, मतलब कि एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उनके अंदर हाई टेम्परेचर पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि बिल्डिंगों में हाई टेम्परेचर होता है, मैक्सिमम बिल्डिंग है, इसीलिए सिटीज का टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। अब देखिए एयर प्रेशर, एयर प्रेशर
तो आप ये चीज जान लीजिए कि एयर जो है हमारे चार, जैसे हम खड़े हैं तो हमारी बॉडी पर चारों तरफ से जो है एक प्रेशर डालती है, और यह प्रेशर किस लिए होता है कि एयर में जो वेट पाया जाता है, ठीक है, उस वेट की वजह से एयर प्रेशर, एयर जो है हमारी बॉडी पर प्रेशर डालती है। फिर भी हमको फील नहीं होता। फील क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे अंदर की जो ब्लड प्रेशर है वो उस एयर के प्रेशर से जो है मतलब इक्वल हो जाता है, इसीलिए हम फील नहीं करते हैं कि एयर हमारे ऊपर प्रेशर डाल रही है कि नहीं डाल रही है। ठीक है, आवर बॉडी एग्जर्ट्स काउंटर प्रेशर, मतलब जो एयर बाहर से हमारे हमारी बॉडी पर प्रेशर डालती है उस पर काउंटर प्रेशर, मतलब उसके विपरीत हमारी बॉडी जो है प्रेशर एग्जर्ट्स करती है, उसका विरोध करती है, मतलब दोनों इक्वल हो जाते। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एटमोस्फियर में, इसके पहले बताया गया कि आप लोगों को कि एटमोस्फियर की जो लेयर हैं जैसे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और थर्मोस्फियर, ये सब है ना, एग्जोस्फियर, तो ऊपर जैसे जैसे हम जाते हैं तो एयर की जो लेयर्स है वो थिन होती जाती है, पतली होती जाती है। क्यों? ऊपर जाएंगे तो एयर जो है हॉट मिलती है, हॉट एयर में जो कंडेंस नहीं होती है। ठीक है, द प्रेशर फॉल्स रैपिडली एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमोस्फियर, प्रेशर फॉल्स रिपीडली, जो उसका प्रेशर है एयर का वो कम होता जाएगा क्योंकि वहां की एयर डेंस नहीं होती है, वहां मतलब ऊपर की। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट, सबसे अधिक एयर प्रेशर कहाँ पाया जाता है? सी लेवल में, समुद्र के पास। ठीक है, सी लेवल पर एयर प्रेशर सबसे अधिक होता है, और जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं यह जो है डिक्रीज होता जाता है, कम होता चला जाता है। ठीक, तो फिर हॉरिजेंटली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ एयर एट ए गिवन प्लेस। हमने बताया कि जो एयर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो एयर ठंडी होती है वो नीचे जाती है और जो एयर जो है वार्म होती है वो ऊपर ऊपर जाती रहती है। इस तरह से जैसे जितना ही नीचे हम रहेंगे, सी लेवल के करीब रहेंगे, उतना ही जो एयर प्रेशर अधिक होगा, और जब एयर प्रेशर लो होता है तो क्या होता है? क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर, तो ये हम लोग कहते हैं कि अब बारिश हो सकती है, आकाश में बादल छा जाते हैं, क्लाउडी स्काई हो जाती है और वेदर वेट हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, जहां पर लो टेम्परेचर रहेगा वहां की एयर कोल्ड रहती है, जहां पर टेम्परेचर लो रहेगा वहां की एयर जो है, इन हैविंग लोअर टेम्परेचर एयर इज कोल्ड, इट इज देयर फॉर हैवी। ठीक, जब टेम्परेचर लो है इसका मतलब वहां ठंड अधिक है तो एयर भी ठंडी रहेगी ना, जब एयर ठंडी है तो क्या है, एयर प्रेशर हाई रहेगा, वो हैवी रहेगी, वहां की एयर हैवी रहेगी। ठीक, जब एयर हैवी रहेगी तो वहां पर हाई प्रेशर हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, और हम जानते हैं कि हाई प्रेशर एरिया में जब रहते, जब हाई प्रेशर रहता है तो आकाश जो है बादल नहीं रहते, और जब लो प्रेशर रहता है तो वहां पर बादल पाए जाते हैं और बारिश की संभावना रहती है। ठीक, अब ये वीडियो बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि ये अब जो है विंड, ये पॉइंट काफी लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, इट्स ओके, दैट्स ऑल।